वालेकुम दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल तो की मुर्शद अली दे देसी नुस्खे और सनासी नुस्खे आज थोनू तो जे जिसम कड़ल पेंदे ने वो नुस्खा थोनू तो बयान करा। ये साडा चैनल सबसक्राइब करो, नाल ही बैल अकाउंट का बटन दबाओ ताकि साड़ी हर आने वाली वीडियो थोड़े तक पहुँच सके। और व्हाट्सएप के अंदर साड़ा नंबर चलता है 03 41 48 82 956। दोस्तों जेडे जिसम के अंदर कड़ल पेंदे ने, लत्त विच कड़ल पै गया, पट के उत्ते कड़ल पै गया, बखिया के उत्ते कड़ल पै गया, थोड़ी जी सर्दी भी आती है तो सुबह सुबह ठंड की वजह तो भी जिसम के अंदर पसलियां अंदर कड़ल पै जाता। और कड़ल जेड़ा इंदा बहुत सख्त दर्द हुंदा है और इंशाल्लाह तुसी इस दर्द तो छुटकारा पा सकते ही है अगर अमल करोगे। तो मेरे दोस्तों तुसी इस तरह करना है कि हर रोज़ रात को 5 कालिया मिर्चा और एक छोटी इलायची दे बड़ी इलायची दे दाने, एक बड़ी इलायची दे दाने 5 कालिया मिर्चा और इंशाल्लाह तुसी हर रोज़ रात को सौन लगे है खाना है इंशाल्लाह ठीक हो जाओगे। चंद दिन 15 दिन तो बाद इंशाल्लाह तुहाडे दोबारा कड़ल नहीं पवेगा जिसम के अंदर और तुसीं बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और नुस्खे तो और भी है ने, जिस तरह देसी आम जड़े हिंदुस्तान में लोग इस तरह करते सी कि वह कितने कट्टा सी भौंदा सी उत्थों दी पुछल लिया के देसी घ्यो च ब्राउन करके उन्हूं भुन के ते खांदे सी। 5-7 पुछलां कट्टे दियां वो कीमा करके वो गोश्त में पहले भी अपन देंगे ने किसाई, ये ना नफरत करो भी पहले किसाई अपन खुआते नहीं थे, पहले भी वो अपन देंगे ने। और तुम जिस वे कट्टा हो कीमा कर दो देसी घ्यो में भुन के खाओ, उन भी नुकसान ठीक हो सकता है। और ये 5 कालियां मिर्चा और एक वीडी इलायची के दाने खाओगे रात को पैन लग्या फिर भी तुम कड़ला तो छुटकारा पा सकते ही और 15 दिन तो बाद निशाना कड़ल नहीं पैणगे। अगले वीडियो तक दोस्तों इजाजत दो, अल्लाह हाफिज़।